सलमान खान की फिल्म रेस 3 बॉलीवुड में धमाका कर रही है। महज 3 दिनों में 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी सलमान की इस फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज भी मिल रहे हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से। आमिर खान जैसे बड़े सितारे इसकी तारीफ कर चुके हैं। अब आपको बता दें दोस्तों, जुलाई में एक और फिल्म आने वाली है, नाम है उसका फने खान। फने खान का ट्रेलर पहले रेस 3 के साथ में जोड़ा गया था, लेकिन फिल्म में ऐश्वर्या राय की मौजूदगी के कारण सलमान ने ये ट्रेलर अपनी फिल्म से दूर ही रखा। इस कारण से ऐश्वर्या को काफी बड़ा झटका भी लगा था। अब हाल ही में फने खान में आपको बता दें अनिल कपूर और राजकुमार राव भी है, ऐसे में ये लोग अब इसका प्रमोशन भी करेंगे और प्रमोशन की शुरुआत ऐश्वर्या से ही होगी, क्योंकि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में ऐश्वर्या शामिल है और फने खान में उनका काफी अच्छा प्रमोशन भी बनता ही है। अब ऐश्वर्या से जब रेस 3 के बारे में पूछा गया तो ऐश्वर्या का रिएक्शन ही कुछ ऐसा रहा कि मानो सलमान पर तंज कस रही हो। उन्होंने कह दिया कि इस फिल्म के बारे में मैंने देखा ही नहीं, ना ही मैं इसे देखना पसंद करूंगी। फिलहाल मैं मेरी फिल्म फने खान पर ध्यान दे रही हूँ जो अगले महीने रिलीज होने वाली है। साथ ही ऐश्वर्या ने यह भी कहा कि जून के महीने में ही आपको फने खान का ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा, तो बस आप दिल थाम कर फने खान का वेट कीजिए। ये फिल्म काफी अलग होने वाली और काफी दिलचस्प भी। और रेस 3 के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो दोस्तों, ऐश का ये रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करें देखो देखो।